तो पहले शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं देन अपन के स्टडी वगैरह भी है इसमें वो भी देख लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन हमको बो, बोल रहा है कि गाइडेंस बताना है अपन को कि कैसे अपन कोर एलिमेंट्स के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस तो अगर अपन को सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना है ना तो उसके लिए हमको एक अच्छा खासा लीडरशिप चाहिए इंटीग्रेशन चाहिए इंगेजमेंट चाहिए और रिपोर्टिंग चाहिए गाइस अगर अपना चेयरमैन और मैनेजर और सीईओ ओनर जो रहेंगे वो लोग क्या करेंगे लीडरशिप करेंगे मतलब उन लोग ढंग से काम करेंगे और हमको हमारा काम बताएंगे तो उससे हमारे बिजनेस में जल्दी से सक्सेस आ सकती है thank you और उसके फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेशन गाइज अगर हमारे ऊपर के लोग जैसे अपने पेरेंट्स साथ नहीं देते तो बच्चे को अनसपोर्टिव फील होता है तो वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता ना वैसे लीडरशिप बहुत जरूरी है उसके बाद तो इंटीग्रेशन मतलब इसमें क्या करेंगे अपन मिक्स करेंगे चीज़ों को ठीक है जो स्ट्रैटेजी है जो पॉलिसी है उन दोनों को मिक्स करेंगे इंटीग्रेट करके फिर अपना वैल्यूज में वैल्यूज uh, पे अप्लाई करेंगे ठीक है देन एंगेजमेंट इसमें क्या करेंगे अपन क्या करते हैं हम लोग रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं इसमें स्टेक होल्डर के साथ साथ और वो बहुत क्रिशल रोल प्ले करता है गाइस क्योंकि रिलेशनशिप को सीएसआर है। है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या, क्या नहीं होता है सी एस आर जो है ना वो नॉर्मल कोर्स का एक्शन मतलब जो नॉर्मल आप काम करते हो बिजनेस में वो सी नहीं होता और अगर आप इंडिया को छोड़ के बाहर जाके कुछ काम कर रहे हो तो वो भी सी नहीं होता ठीक है आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा सी एस आर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स द बेनिफिट्स ओनली टू द इम्प्लॉय गैस अगर आप एम्प्लॉय और उनकी फैमिली पे फोकस करते रहोगे तो वो सी एस आर नहीं होता अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहोगे तो वो सी एस आर नहीं होता आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो शेड्यूल सेवन में डिस्कस्ड है तो वो सी एस आर नहीं है ठीक है और अगर आप कोई मैराथन अवार्ड चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो टी वी प्रोग्राम्स में तो वो सब सी एस आर नहीं होता

मैं रिविजन करा देती सबसे पहले हम लोग को क्या बोला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल को और एलिमेंट का क्या होता है तो लीडरशिप इंटीग्रेशन एंगेजमेंट रिपोर्टिंग फिर हमको पूछे सीएसआर क्या नहीं होता तो जो अपना नॉर्मल काम करते वो सीएसआर नहीं होता जो इंडिया से बाहर करते वो सीएसआर नहीं होता जो भी काम अपना शेड्यूल uh, सेवन के तहत करते हो वो काम नहीं होता अगर आप कोई काम लॉ uh, के कहने से कर रहे हो तो वो सी एस आर नहीं होता अगर आप टी वी प्रोग्राम से मैं अवॉर्ड मैराथन चैरिटेबल का काम कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हो ठीक है या फिर कंपनी के इंप्लॉयज़ के और उसकी फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ये सब सी एस आर में नहीं आता है ठीक है गाइज उसके बाद हमारे बुक में देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया तो गाइज़ मैं ना सीधा आपको ना टू थाउजेंड सिक्सटीन के बाद डिस्कस करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इतने सारे

फॉर एग्जाम्पल तो तो देती हूँ आपको अगर आपको एक बैंक लोन है ठीक है तो बैंक लोन में जो इंटरेस्ट है ना जो आप दे रहे हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट होगा और उसको उस लोन से जो हमारी इनकम होगी बिजनेस से वो हमारा रिटर्न होगा ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है कि दिस रिक्वायर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन क्वेश्चन स्केल एनालिसिस गाइज आप कहीं से भी लोन नहीं लेना चाहिए ना अपन को लोन नहीं मतलब कुछ भी फाइनेंस करवा रहे तो हमको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की प्रॉपर ठीक है Then the cost to be not known with दर्टनिटी certainty और guys हमको ना सर्टन होनी चाहिए कि कॉस्ट इतनी लग रही घर के मतलब परसेंटेज रहता ना कि सिक्स परसेंट फाइव परसेंट इतना इंटरेस्ट लगेगा तो वो फिक्स होना चाहिए है। ठीक है फिर हैंज द इनफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हाँ हैंज द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग पूरा मतलब लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल के लिए जो कॉस्ट है उसको कैसे निकालते हैं देखो सबसे पहले द कैपिटल कॉस्ट ऑब्जेक्टिव डेट नीड टू बी एसेस हमको क्या क्या असेस करना चाहिए सबसे पहले लैंड एक्विजिशन कॉस्ट ठीक है लैंड एक्विजिशन कॉस्ट के लिए क्या क्या लगेगा अपन को देखो लोकेशन लगेगा और लैंड की क्या अवेलेबिलिटी वो देखेंगे उसका डायरेक्शन इफेक्ट्स देखेंगे फिर प्री डिजाइन कॉस्ट प्री डिजाइन कॉस्ट मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम इन क्वालिटी ऑफ़ इंफॉर्मेशन जनरेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है वो किस क्वालिटी की है और किस समय मिल रही है वो भी मैटर करती है ठीक है और किस स्टेज पे मिल रही है ठीक है द इन्वेस्टर एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज द होल लाइफ लाइफ कॉस्ट ऑफ फैसिलिटेट थ्रू सेलेक्शन जैसे अपन सेलेक्ट करते हैं ना तो सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिलने से ही हम लोग सही डिसीजन ले सकते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी जो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ठीक है फिर डिजाइनिंग कॉस्ट द क्वालिटी ऑफ डिजाइनिंग टर्म्स ऑफ एरर डिटेलिंग एंड बिल्डिंग बिल्डिंग ऑफ हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अ कॉस्ट इन प्रोडक्शन गाइस हम लोग जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन करते हैं उसको एक डिज़ाइन से करते हैं ना मतलब तो इस तरीके से करेंगे वो तरीका के बारे में दिया यहाँ पर ठीक है फिर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप शिप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ मेंटेनेंस गाइस हम कितना मेंटेनेंस करते हैं ना ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि किस तरीके के हमारे पास लेबर्स है ठीक है उनका काम किस तरीके का है जैसे कि अपन उसमें और ये ना हमको इंश्योर करता है द साउंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस यूज इन फीस रिस्क एंड फाइनेंस कॉस्ट ठीक है आई होप आप लोग तो यहाँ तक समझ में आओ कि कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट होती है देखो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट होती है प्री डिजाइनिंग कॉस्ट होती है डिजाइनिंग कॉस्ट होती है एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट होती है सबसे पहले आप जमीन खरीदोगे जमीन के ऊपर क्या उसके बाद क्या बनाओगे अगर कुछ भी बनाते हो तो उसका डिजाइन तो सोचोगे ना कि किस डिजाइन से बिल्डिंग बनाना है ठीक है उसके बाद फिर जो उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी ना डिजाइनिंग एक प्री डिजाइन की कॉस्ट लगती है एक डिजाइन की कॉस्ट लगती है ठीक है दो कॉस्ट लग गए उसके बाद फिर उसको डेवलप करोगे फिर उसको मेंटेन करोगे ठीक है ऐसे याद करो कि ये लैंड है ठीक है लैंड के ऊपर अपन जो बनाया उसका प्री डिजाइन कॉस्ट है उसके बाद फिर इसमें डिजाइन कॉस्ट लगी अभी ये जो बन गया इसको डेवलप करोगे ठीक है डेवलप करोगे प्रोडक्शन करोगे इसके अंदर ठीक है ऐसे करके याद करने के लिए बता रही हूँ होप आप लोग यहां तक समझ में आया होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडेड इन बिजनेस इंडियन बिजनेस में क्या जरूरत है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरत है मतलब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखो गाइज अब अपन स्टार्ट के तब से तीसरा क्वेश्चन आ गया सी ऊपर ठीक है तो सी देखो आर में ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में क्यों जरूरत है गाइज देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर्टी बहुत ज्यादा है बच्चे भूखे रहते हैं लोग भूखे रहते हैं एजुकेशन प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी करना है चिल्ड्रन मोर्टिलिटी या मेंटल हेल्थ को ठीक करना है मर्टेलिटी हेल्थ ठीक है उसके बाद फिर अपना

ठीक है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ अगर एग्जाम में आगे कि सी में क्या क्या, क्या होना चाहिए देखो सबसे पहले क्या हंगर पावर्टी देन एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी चिल्ड्रेन मोर्टेलिटी एंड मेंटेलिटी हेल्थ उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रोजेक्ट वोकेशन स्किल्स ठीक है मलेरिया कोविड कोविड नाइन्टीन का कर लेना तो आ जाएगा मलेरिया वायरस ठीक है प्राइम मिनिस्टर का अपना रिलीफ फंड और अदर मैटर्स ठीक है राइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन द कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस अ प्रोविजन इन चेंज इन इंडियन कॉर्पोरेट टू डू बिजनेस इन सच प्रोविजन सी एस आर एक्टिविटी वही बोल रहे की सी एस आर को आप डिस्कस कीजिए करके तो देखो गाइज अपन ना इसमें ये भी बताएंगे सी एस आर को डिस्कस करने बोल रहे की सी एस आर किस को किसके ऊपर अप्लाई होता है सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो जिन कंपनी का जो अपना नेटवर्थ है वो होता है फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा

कमेटी को और मतलब वो रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को और फिर जो बोर्ड रहेगी वो अप्रूव करेगी ठीक है उसके बाद ये जो पॉलिसी रहेगी ये डिस्क्लोज होएगा जो भी बात रहेगा वो डिस्क्लोज होगा बोर्ड रिपोर्ट में ठीक है फिर ये कंपनी की वेबसाइट में भी प्लेस करना पड़ेगा अपन को ठीक है उसके बाद फिर अपन को इंश्योर करना पड़ेगा क्या क्या, क्या एक्टिविटी की अपन सी एस आर में ठीक है गाइस और अपन को चैप्टर सेवन की काम नहीं करना है मैंने आपको बताया ही था ठीक है उसके बाद फिर फीचर्स क्या है The following additional features section are relevant while spending money on unmarked. फॉर सी एस आर द अमाउंट शुड बी प्रिफर्ड इन लोकल एरिया वाइज आपकी जहाँ पर ना कंपनी होती है ना उसके आस पास करने से ज्यादा बेटर रहता है ताकि वहाँ के लोग आपको जानते हैं ना तो ज्यादा मानेंगे भी ठीक है अगर कंपनी फेल हो जाती है कि जितना पैसा वो साइट पर रखी थी सी एस आर के लिए वो फुलफिल नहीं कर पा रही है उतना नहीं दे पा रही है या नहीं स्पेंड कर पा रही है तो वो बोर्ड रिपोर्ट में बताएगी वो बात को और जो कंपनी एलिजिबल है सी एस आर करने के लिए वो हर साल कम से कम दो परसेंट अपने तीन साल के एवरेज प्रॉफिट का करेगी ठीक है

ठीक है इस इसके हिसाब से क्या होता है कि देखो इसमें अपन को क्या करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर की प्रिंसिपल्स गाइस इसमें हमको की प्रिंसिपल्स बताया गया है सबसे पहला क्या है मिनिमाइज हार्म हार्मफुल चीजों को कम करो मैक्सिमाइज बेनिफिट जो बेनिफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा करो टू बी अकाउंटेबल एंड टू की स्टेक होल्डर्स जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हो और हम की स्टेक होल्डर को जान, जानकारी दे ठीक है और सपोर्ट करो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को ठीक है गाइज तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हैं क्या है देखो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप समटाइम कॉल्ड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही होता है ठीक है कैन बी डिफाइंड एज अ वे इन विच कंपनी स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन प्रैक्टिस अफेक्ट इट्स स्टेक होल्डर्स ठीक है इसमें तो ये बोल रहा है कि ये ना स्ट्रैटेजी होती है कंपनी की जिससे स्टेक होल्डर को अफेक्ट पड़ता है ठीक है द नेचर इन जैसे कि हम जहाँ पे भी हमारी कंपनी है वहाँ के नेचर को वहाँ की एयर क्वालिटी को वहाँ के लोगों को जो भी इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है वो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है इसलिए इसका नाम है कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है उसके बाद दिया है इन दिस डेफिनेशन कॉरपोरेट सिटीजनशिप कंप्रेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस आर विच इन्वॉल्व कंपनी एक्सपीट एंड इफेक्ट टू इम इम्प्रूव सोसाइटी मतलब वही बोल रहा है कि कैसे वो ठीक कर सकती है और इम्प्रूव कर सकती है वहाँ की चीज़ को जो वो उस उनके आने की वजह से खराब हो गई है अब जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि कोई कंपनी है मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई ठीक है अब वो जो भी वेस्ट है वहाँ की आसपास की नदियों में डाल देंगे ठीक है लैंड वहाँ के लैंड में डाल देंगे लैंड की क्वालिटी खराब हुई वाटर क्वालिटी खराब हुई वहाँ पे पॉल्यूशन करेंगे एयर क्वालिटी ख़राब हुई ठीक है गैस? तो ये सब चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी होती है इसलिए इसको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ठीक है क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हमारी मदद करके ठीक है वो उनका काम है उनको करना ही पड़ेगा ठीक है फिर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज डेफिनेशन लिंक सोशल कैसे इसको सोशल से लेंगे कॉमन सेंस आप सोचना ठीक है कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये सारे फैक्टर में तो मैटर करेगा ही ना ऑब्वियस ही बात है आखिर वो सब चीज को खराब कर रहा है तो ठीक करने की जिम्मेदारी तो उसी की है ना ठीक है हाउ कंपनी एक्चुअली बिजनेस इन सोसाइटी इज ऑपरेट एंड हैंडल टू स्टेक होल्डर एंड नेचुरल ठीक है तो जो बिजनेस होता है उसका काम होता है क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के लिए काम करता है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो सारे स्टेक होल्डर्स और नेचुरल इन्वायमेंट की ध्यान रखे ठीक है दस कॉरपोरेट सिटीजनशी सिटीजनशिप जो रहती है वो सी एस आर कॉन्सेप्ट एकदम सेम है जो कि फोकस करती है मेंबरशिप ऑफ कॉरपोरेट्स ट्रीज लैंड और क्लाइमेट एटमोसफियर uh, ये सब सोशल कैपिटल uh, होता है उसका एनहेंस करना और उसका पर फोकस करना पॉलिटिकल सोशल कल्चर तरीके से यही कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का काम है ठीक है और फिर नॉट विथ स्टैंडिंग डिफरेंट टर्म्स अलग अलग टाइप के टर्म्स होते हैं गाइस ठीक है तो आजकल हम लोग क्या बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस आर एंड कॉरपोरेट सिटीजनशिप ठीक है सो सी एस आर इज़ नॉट फेड मतलब अभी तक ये घूमा नहीं है ये वर्ड सी एस आर अभी भी है ठीक है कब uh, स्टार्टिंग में हो चाहे बाद में हो ठीक है बट वो है और ये आजकल कल इसके इनिशियटिव को ना अपन लेबल कर दिए हैं लेबल कर दिए कॉरपोरेट सिटीजनशिप के नाम से ठीक है सेम ही है नेक्स्ट गाइस अपन को फिर से वो क्वेश्चन आ गया जो अपन पढ़े थे नेशनल वॉलेंटरी गाइडलाइंस टू हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यही डिस्कस किए थे ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ठीक है तो देखते हैं क्या दिखा है इसमें द गाइडेंस एम्फसाइज दैट द बिजनेस हैव बीन रिस्पॉन्सिबल एक्टर इन सोसाइटी सो दैट देयर एवरी एक्शन लीड्स टू सस्टेनेबली ग्रोथ एंड एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब बोल रहा है कि जो गाइडेंस है वो इसमें आई थी कि जो बिज़नेस है ना उसमें एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स होने चाहिए जो कि सोसाइटी का ध्यान रखे और सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में मदद करे ठीक है ये गाइडेंस थी वो डेवलप की थी कमेटी को जो कि इसमें इम्फोसाइज करेगी ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स पे ठीक है सारे बिजनेस जो भी है इस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सेक्टर के हो कोई भी साइज के हो उनके पास फंडामेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए और उनके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए इस चीज़ की कि सारी जितने भी एंटिटी एंड अडॉप्टेड जितने लोग भी है वहाँ पर वो सारे लोग सोशली हेल्प करें सस्टेन करने के लिए जो गाइडेंस था वो उसके अंदर नाइन प्रिंसिपल्स थे ठीक है नाइन प्रिंसिपल्स थे और हर प्रिंसिपल अपन को बताता था कुछ कुछ ठीक है कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं द प्रिंसिपल रिकनाइज एज अ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फेस्ड बाई इंडिया ठीक है इनका नाम ये था जो कि डेवलपमेंट में अपन को हेल्प करते थे ये जो प्रिंसिपल था उसमें एनर्जी वैल्यू ऑफ द एनर्जी एनर्जी को वैल्यू करो बताता था एंटरप्राइज डेवलपमेंट बताता था ठीक है फिर डिसएडवाटेज वर्निबिलिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटीज द प्रिंसिपल ऑल्सो इम्फोसाइज ऑन कोलेब्रेशन इसमें बताता था कि अपन को कोलेब्रेट करना चाहिए ठीक है

ठीक है मतलब तो उसको ऐसी चीज़ बनानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जूट बैग्स यूज़ करना चाहिए पेपर बैग्स यूज करना चाहिए सो दैट प्लास्टिक बैग्स कम से कम हो जाए ठीक है अब उसकी कॉस्ट हाई रहती है फिर भी ना लोग छुपा छुपा के यूज़ करते हैं पॉलीथीन वो ये नहीं सोचते कि यार पॉलीथीन से कितना नुकसान हो रहा है अपने घर से बैग लेके जाओ ना सस्ता पड़ेगा सब कुछ ठीक है फिर बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स टू कम कम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एट लोकल एंड नेशनल लेवल एंड अश्योर

सेंसिटिव टू लोगल कंसर्न जैसे कि कुछ लोग बहुत सेंसीटिव होते हैं अपनी चीज़ों को ले जैसे रिलीजियस चीज़ों को लेकर ठीक है तो बिजनेस को उसका ध्यान रख के ऑपरेट करना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स हट ना हो ठीक है रिविजन करवा क्या ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था हमको कि ये अपना नेशनल वॉलेंटरी गाइडेंस 2011 के हिसाब से क्या था तो हमको ये बताना है कि उसके हिसाब से एक डेवलपमेंट हुआ जिसमें अपन को जो गाइडेंस है वो डेवलप करती हम लोग की तरफ एक कमेटी कमेटी में ड्राफ्ट किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स है जिसके बारे में अपन को फंडामेंटल एक्स एक्सपेक्ट बताया था कि कोई भी साइज का तुम्हारा फर्म बिज़नेस कुछ भी हो बट अपन को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए उसके लिए नाइन प्रिंसिपल्स ले डाउन किया गया था जिसमें अपन ग्रोथ कर सके अपनी सोसाइटी uh, का ठीक है इनोवेट करे ऐसी चीज़ें जो उनके लिए फेवरेबल हो ठीक है कोलाब्रेशन करे वैसे जो सोसाइटी uh, फ्रेंडली हो ठीक है तो कोर एलिमेंट्स कुछ कुछ पढ़े थे कि हमको बिज़नेस समझना चाहिए ठीक है उसके बाद बिजनेस को समझ के सोसाइटी के हिसाब से करना चाहिए इकोनॉमिक वे में करना चाहिए ठीक है जिससे कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो इनोवेट ऐसा चीज करना चाहिए इन्वेस्ट ऐसी जगह करना चाहिए जहां से <coughs> सोसाइटी को प्रमोशन मतलब सोसाइटी को प्रमोट हो और उनको ध्यान रखे उनको प्रायटाइज करके ही काम करना चाहिए उनको ठीक है और डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी बनाई ताकि लोकल नेशनल हर तरीके से अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके और सेंसिटिव चीजों में जो लोकल से सेंसिटिव जो मैटर्स है उसके हिसाब से बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए गए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सीएसआर समझाने बोला है हमेशा की तरह <laughs> गाइस आप देख सकते हैं कि बार-बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से तो अगर ये आप दो क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से अगर आप उसको भी पढ़ के जाओगे ना आराम से इसमें देखो क्वेश्चन रिपीट होते ही है ठीक है तो मैंने चाहते आपके मार्क्स वेस्ट हो फालतू में ठीक है हां सीएसआर इट इज अ कांसेप्ट दैट organization has अ obligation to consider the interest of customer employees stakeholder committees consideration in all aspect of its operations ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए क्या है पता है ये ऑब्लीगेशन है जो कि उसको कंसीडर करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स के लिए इम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा आप एक बिजनेस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि वो क्या किया एक मिनट हाँ सॉरी <coughs> हाँ

ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाता है उनके लिए तो ये नेगेटिव चीज़ है एज अ सोसाइटी अपने लिए पॉजिटिव चीज़ है ना ठीक है ये बात को समझो उसके हिसाब से सोच के आंसर लिखना तो अपने आप आ जाएगा ठीक है तो उनके लिए ऑब्लिगेशन है जिसमें उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है ठीक है और ये स्टेटूटरी लिमिट के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है अगर वो उसमें आ गए तो ठीक है उसके बाद फिर क्या लिखा है इसमें कि उनको फाइनेंशियल चीज़ें डिसीजन बेस्ड ऑन नॉट ओनली फाइनेंशियल फैक्टर एज अ प्रॉफिट और डिविडेंड बट आल्सो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म सोसो काइज उनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड बांटना ही प्रॉफिट का पार्ट ये बांटना ही उनका काम नहीं होता उनको नॉन फाइनेंशियल चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है फ्यूचर जनरेशन की बातों में मतलब उनके बारे में सोच के उनका ध्यान देना पड़ता है ठीक है इस तो जो एक जो एकदम मनी माइंडेड बिजनेस है वो ये सब चीज़ को बहुत नेगेटिवली लेगा क्या क्या फालतू काम करते करके ठीक है अब अपन देखते आगे क्या दिया हुआ की सीएसआर मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल सबके लिए सीएसआर अलग अलग चीजें होती है ठीक है कैसे इम्प्लॉय मीन अ फेयर वेजेस नो डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन एक इम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अब अभी आप, आप क्या चाहोगे अगर आप इम्प्लॉय हो तो कि मेरे को ये वेज उतनी मिलनी चाहिए जितनी के लिए मैं एलिजिबल मतलब जितना मैं हकदार हूँ ठीक है मेरे और मेरे कलीग के बीच में कोई डिफ्रेंसीशन नहीं होना चाहिए हम मेरे को एक्सेप्ट करना मतलब मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए मतलब सेफ इन्वायमेंट होना चाहिए एक वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए ठीक है एक शेयर होल्डर जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट डिसीजन चाहता है जो भी वो पैसा लगाए वो चाहता है कि उसके बारे में मुझे जानकारी मिलता रहे एक सप्लायर चाहता है कि उसको जब भी वो सप्लाई करे सामान तो उसका पेमेंट तुरंत तुरंत मिल जाए उसके लिए ये सब सी है ठीक है कस्टमर क्या चाहता है कि मेरा सामान टाइम में डिलीवर हो जाए और रिजनेबल प्राइस में मिले लोकल कमिटीज क्या चाहती कि उनका जो प्रोटेक्शन हो का वगैरह वगैरह नॉन गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब वो चाहती कि ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स और इन्वायमेंट चाइल्ड लेबर ये सब का उल्लंघन ना हो ठीक है उसके बाद फिर फॉर कंपनी हाउवे बट इट सिंपली सीम टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडर्न बट कंपनी के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको करना पड़ता है ठीक है <coughs> इसी के साथ गाइस हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म होता ये है ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या है देखो एक्स वाइज लिमिटेड जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका टर्न ओवर है ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ ठीक है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर गाइस याद करके बताओ टर्न ओवर की लिमिट क्या थी प्रॉफिट की लिमिट क्या थी और क्या था पेड कैपिटल ठीक है तो क्या थी बताओ फाइव करोड़ हंड्रेड करोड़, फाइव हंड्रेड करोड़ था ये वन थाउजेंड मैं खुद भूल गई यहीं से देख लेते हैं आप इन टर्म्स ऑफ सेक्शन वन थर्टी फाइव द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी

कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड टू पर्सन इन ईयर ऑन अकाउंट ही वो एक बार ना एक, एक बार पांच परसेंट कर दी बोली और फिर बोल रही है कि मैं ना आगे नहीं करूंगी करके तो तुम ऐसा करोगे तो तुमको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा ठीक है उसके बाद अपन ये लिमिट देख रहे थे मैं आपको लिमिट बताई देती हूँ नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ठीक है गाइस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस इसमें से फोर मार्क्स मिनिमम क्वेश्चन आए गई प्लीज़ गाइस इसलिए वीडियो को देख लेना दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो पक्का पढ़ के जाना चलो ठीक nice है बाय बाय हैव अ नाइस डे और पढ़ते रहिए